अप्रैल का महीना है और स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब बारी है उनके प्लेसमेंट्स की। और उस प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही हर स्टूडेंट को कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि पता होनी चाहिए लॉ के बारे में, ताकि वो वर्क प्लेस पर अपनी नई जॉब में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और एक्चुअल में अपने अपॉइंटमेंट लेटर को अपने CTC को अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसको देखकर आप नाचने लगते हैं, लिटरली नया ऑफर लेटर फर्स्ट टाइम जॉब होती है, अपना ध्यान नहीं देते हैं। सपोज आपके ऑफर लेटर पर लिखा होता है कि आपका CT 10,000 रुपये, लेकिन एक महीने काम करने के बाद आपके हाथ में आती है सिर्फ 6,500 रुपये सैलरी। तो जो एक्साइटमेंट होता है 10,000 का ऑफर या अपॉइंटमेंट लेटर देख करके, वो सारा खत्म हो जाता है एक्चुअल ग्राउंड पर जब आपके हाथ में 6,500 रुपये आते हैं। तो आज जो हम बातें करेंगे, मैं आपको कुछ कॉमन लेबर लॉस के बारे में बताऊंगा जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और जॉब शुरू करते वक्त ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करीब ऐसे 10 से 12 लॉस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक मिनट में हर एक लॉ को समराइज कर दूं, क्योंकि हर एक लॉ अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है जिनकी 100-100 पेजेस की, 200-200 पेजेस की, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक छोटे से वीडियो में इतने सारे लॉस को बता पाऊँ। डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं लॉ के ऊपर, आप उनको जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई भी एक लॉ डिटेल में समझना हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं थिंक एचआर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला हमारा एक्ट है द मिनिमम वेज एक्ट। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस एक्ट का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कम से कम कितनी सैलरी मिलना चाहिए। यानी कि एज ए स्टूडेंट अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो एक मिनिमम सैलरी होती है जो कि हर एक स्टेट, हर एक राज्य अपने लेवल पर तय करता है। आपको वो पता होनी चाहिए ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको गलत सैलरी या कम सैलरी जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स की है ना दे पाए। और अगर आपको चेक करना है तो आप ऑब्वियसली गूगल पर जा सकते हैं, आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अगर आप स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग प्रोफेशनल्स हैं तो आप स्किल्ड या हाईली स्किल्ड में आएंगे, तो आप हाईली स्किल्ड का वेजेस रेफर करिएगा, वो सैलरी आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, उससे कम सैलरी आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं दे सकता है। दूसरा हमारा एक्ट है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इस एक्ट के प्रावधान के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉयर आपको 7 तारीख के बाद सैलरी पे नहीं कर सकता। कुछ केसेस में 10 तक अलाउड होता है, बट इन जनरल 7 तारीख तक आपकी सैलरी पे हो जानी चाहिए। और कोई भी एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से अनड्यू अनऑथराइज्ड डिडक्शंस नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर की जो भी मर्जी है कुछ भी उड़ा के आपकी सैलरी में से पैसे काट दिए आपको देते वक्त, ऐसा कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन वो नहीं कर सकता है। एक लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एम्प्लॉयर एक सर्टेन लेवल तक डिडक्शन कर सकता है आपकी सैलरी में से। और अगर एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कुछ गलत डिडक्शंस करता है तो आप लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और इसके लिए आपके एम्प्लॉयर को बहुत ही मोटा हर्जाना चुकाना होगा। तीसरा हमारा जो लॉ है वो है इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। नाम से पता है इक्वल रेमुनरेशन, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, क्रीड के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, कलर के आधार पर हो, किसी भी आधार पर वो बायसनेस नहीं कर सकता है एम्प्लॉय के बीच में। जैसे कि एक किसी जॉब के लिए किसी मेल एम्प्लॉय को 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है, तो सेम नेचर ऑफ जॉब के लिए किसी फीमेल एम्प्लॉय को वो 5,000 रुपये नहीं दे सकता है, दोनों को ही सेम सैलरी पे करनी होगी। तो ये तो बेसिक बातें हो गई, कुछ बेसिक लॉ हो गए। अब चलते हैं थोड़ा CTC की तरफ, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि मैं आपको CTC समझाऊंगा। तो CTC तरफ जाते हैं तो वहां पे कुछ लॉ आते हैं वहां पे भी। पहला लॉ है वहां पर द प्रोविडेंट फंड एक्ट। इस एक्ट में बेसिकली जो एक्ट बनाया गया था, ये बनाया गया आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि आपके रिटायरमेंट का ख्याल रखते हुए, आपकी पेंशन का ख्याल रखते हुए इस लॉ को बनाया गया है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में पेंशन तो होती नहीं है, तो बुढ़ापे में हम लोग कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कंट्रीब्यूशन जाता है डिपार्टमेंट में, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में आपको हर महीने फिक्स इनकम आने लगती है। तो यानी कि आपको बुढ़ापा आराम से गुजर सकता है उस पेंशन के बेस पे। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर सबसे पहले जो पेंशन स्कीम शुरू की थी वो टाटा ग्रुप ने की थी। जब ये लॉ भी नहीं आया था तो ऑब्वियसली टाटा एक रिस्पेक्टेड ग्रुप है, एंड आप स्टूडेंट में से जो भी टाटा ग्रुप में जा रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही। प्रोविडेंट फंड में 12% आपकी सैलरी की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाता है और 12%
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है प्लस 1% एम्प्लॉयर कुछ एडमिन चार्जेस होते हैं वो पीएफ को जमा करता है, तो 12% कंट्रीब्यूशन अगर आपकी तरफ से जा रहा है तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी में से वो कट जाएगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो 1,200 रुपए आपकी सैलरी में से ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके पीएफ डिपार्टमेंट को जमा करेगा। तो हो सकता है कि आपके सिटी से में आपका एम्प्लॉयर 10,000 प्लस उसका कंट्रीब्यूशन यानी कि 1,300 रुपए ऐड करके दिखाए, तो यानी कि 10,000 अगर आपकी सैलरी है तो हो सकता है आपका एम्प्लॉयर पीएफ का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसको ऐड करके सीटीसी दिखाए, यानी कि उस वक्त आपका एम्प्लॉयर दिखाएगा 10,000 प्लस 1,300 रुपए यानी 11,300 रुपए, और जबकि फैक्ट जो आपके हाथ में आएगा 1,300 रुपए तो एम्प्लॉयर का पीएफ में जमा होगा, आपका भी 12% कटेगा जमा होगा, तो 10,000 माइनस 12% 1,200 रुपए जो सम होगा वो आपके हाथ में आएगा। अगला एक्ट है ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इस एक्ट के दो फायदे हैं, पहला आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, दूसरा आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी इस एक्ट से मिल जाता है। तो ये बेसिक दो फायदे मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अकेले आप ही नहीं, आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स में कवर हो सकते हैं, आपके डिपेंडेंट भाई बहन भी इसमें कवर हो सकते हैं, आपके माता पिता सब इसमें कवर हो सकते हैं, और इसमें जो बेनिफिट्स है इसकी कोई कैपिंग भी नहीं है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है आपकी सैलरी में से 0.75% जाता है और जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो 3.25% की दर से कंट्रीब्यूशन को डिपार्टमेंट में जमा कराता है। यानी कि फिर से देखिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर ईएसआईसी के पार्ट को एज ए सीटीसी भी दिखाए, लेकिन एक्चुअल में जो आपके हाथ में आएगा वो क्या होगा, वो 10,000 माइनस 0.75% जो होगा वो आपके हाथ में आएगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ईएसआईसी उन लोगों पर अप्लीकेबल होता है जिनकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम होती है, इससे ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो डेफिनेटली आप ईएसआईसी का पार्ट नहीं हो सकते हो, आपकी कंपनी आपको एक सेपरेट मेडिकल पॉलिसी लेके देगी आपकी सुरक्षा के लिए। अगला एक्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक जो सरकार है वो ये कहना चाहती है कि हर एक एम्प्लॉय कंपनी के प्रॉफिट में बराबरी का योगदान देता है, कंपनी कुछ फायदा होता है तो उसमें एम्प्लॉय का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस एक्ट के माध्यम से सरकार चाहती है कि हर एक एम्प्लॉय अपने प्रॉफिट को अपने एम्प्लॉय में बांटे। ये प्रॉफिट शेयरिंग का एक लॉ है। इन जनरल कंपनी जो होती है 8.33% से लेकर के 20% तक बोनस पे करती हैं, और ये स्पेशली बोनस है। स्पेशली बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी 21,000 या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा है तो आपको किसी और नेचर का बोनस मिल सकता है, लेकिन स्टेट बोनस यानी मैंडेटरी बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना है, बोनस हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक हो सकता है परफॉर्मेंस बोनस आपकी कंपनी आपको देती हो, दूसरा आपका होता है मैंडेटरी बोनस, स्टेचुरी बोनस हम कहते हैं, जो एक्ट के हिसाब से देना होता है, दोनों अलग चीजें हैं। और अगेन हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर 8.33% से लेकर 20% के सम को भी आपकी सीटीसी में जोड़कर दिखाए, जबकि हकीकत में वो सम आपको साल के एंड में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 साल में आपकी ग्रेचुटी बनती है 500 रुपए, तो कंपनी क्या करेगी, 1 साल का 100 रुपए होगा 500 रुपए के हिसाब से और 100 रुपीज को 12 में डिवाइड करके आपकी मंथली सीटीसी में दिखा देगी। तो फिगर दिखने में तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या पैसा आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। तो ये भी एक चीज होती है जो कि एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, जो चीज आपको 5 साल के बाद पे करनी है उसको अगर आप अभी से सीटीसी का पार्ट दिखा रहे हैं, राइट प्रैक्टिस नहीं है, बट ऐसा होता है कॉर्पोरेट्स में, इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। अगले तो छोटे छोटे एक्ट है, प्रोफेशनल टैक्स एंड लेबर वेलफेयर फंड। प्रोफेशनल टैक्स एक म्यूनिसिपल टैक्स है जो कि कुछ स्टेट्स में करीब 15 से 16 स्टेट्स हैं जहां पे लागू होता है, जहां पे करीब 2500 रुपए सालाना आपको अपनी सैलरी में से कटवाने होते हैं, सरकार को जमा करने होते हैं, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं मिलता है आपको। अगला है LWF, लेबर वेलफेयर फंड। ये बहुत ही छोटा अमाउंट होता है जो कि 6 महीने पर या मंथली बेसिस पे आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, वो अगेन हर स्टेट का डिफर करता है, आप अपने स्टेट का गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं, और इस अमाउंट को जमा करना होता है सरकार के खाते में जो कि आपकी तरफ से भी जाता है और एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, छोटा अमाउंट होता है बेसिकली, और इससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन बेनिफिट्स ना के बराबर होते हैं, बहुत छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन दे दी, साइकिल दे दी, और बच्चों की शादी के लिए पैसे मिल जाते हैं डिपार्टमेंट से, बट यस ऑफकोर्स इस पैसे को लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट से,
और गवर्नमेंट से तो कोई सारे पैसा लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो भी हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। और इसके बाद जो सबसे धुरंधर धुआंधार लॉ है वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। हर स्टेट का अपना खुद का एक्ट होता है और आपकी सारी छुट्टियां, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका नोटिस पीरियड, सब कुछ इसी एक्ट से गवर्न होता है। यानी कि आपको CL, SL, PL ये जितनी भी छुट्टियां मिलती हैं ये इस एक्ट में लिखा हुआ है कि किस एक्ट में किस स्टेट में कितनी छुट्टी मिलनी है, कितने घंटे काम के होंगे वो उस एक्ट में लिखा हुआ है, कितने घंटे ओवर टाइम कराया जा सकता है उस एक्ट में लिखा हुआ है। और आपको अपने स्टेट का रूल पता करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप गूगल पर जाकर सर्च करिए, अगर हरियाणा है तो हरियाणा के सर्च करिए, आप हरियाणा शॉप एस्टेब्लिशमेंट रूल आपको इजीली सामने मिल जाएगा। और आप लोग पढ़े लिखे हैं ही, आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे सिर्फ साल में 5 दिन की अर्न लीव दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। आपको सही नंबर्स लीव्स के पता चल जाएंगे, सही नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स के आपको पता चल जाएंगे, हॉलीडे कितने देने हैं ये उसी एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। कुछ केसेस में एक दूसरे एक्ट भी है बट इन जनरल आप यही समझिए इसी एक्ट से गवर्न होता है। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए। बेसिकली ये तो चीज़ सबको ही पता होनी चाहिए बट उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसके अंतर्गत हर एक एम्प्लॉयर किसी फीमेल एम्प्लॉय को मैटरनिटी के केस में 26 वीक्स की पेड लीव देगा। और अगर फीमेल ESIC कवर्ड है तो ऑब्वियसली ESIC डिपार्टमेंट ही इसकी पेमेंट करता है। दूसरा होता है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये लॉ है, बहुत ही सख्त कानून है और हर एक फीमेल एम्प्लॉय को उसके राइट्स पता होने चाहिए, अंतर पता होना चाहिए कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जिसके लिए हर एक कंपनी वर्कशॉप अरेंज कराती है एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पर और यू मस्ट अटेंड दैट वर्कशॉप। और उसके अलावा ये सारे लॉ हर कंपनी में आपको नोटिस बोर्ड होता है बाहर एक एंट्रेंस पर, जहाँ से अपन एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको बोर्ड पर अच्छे तरीके से पेस्टेड या फाइल के तौर पर या टंगे हुए आपको मिल जाएंगे कि कानून ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब एक्ट्स को डिस्प्ले करके रखे अपने नोटिस बोर्ड पर, ताकि ऐसे लोग जिनको लॉ की कोई जानकारी नहीं है वो भी पढ़ सकें। और इसके साथ ही ये जो लॉ है इंग्लिश के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी आपको लगे मिलेंगे वहाँ पर, ताकि आप उसको पढ़ सकें और समझ सकें। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपका एम्प्लॉयर है जो CTC कंसिडर कर सकता है। देखिए CTC का मतलब सिंपल है, अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कॉफ़ी भी पिलाता है ऑफिस के अंदर बैठा करके, वो कॉफ़ी की कॉस्ट को भी CTC में जोड़ सकता है। तो CTC के लिए कोई लॉ नहीं बना है, आपका एम्प्लॉयर कह सकता है कि जितने भी खर्चे वो आपके ऊपर कर रहा है वो आपकी CTC का पार्ट है। यानी कि इन जनरल हम देखें, जो हमने अभी PF के लॉ डिस्कस किए, ESIC डिस्कस किए, प्रोफेशनल टैक्स डिस्कस किया, ऐसे डिडक्शंस या ऐसे कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर की तरफ से होते हैं वो आपकी CTC के पार्ट में वो जोड़ देता है। यानी कि सपोज आपकी जो ग्रॉस सैलरी है या आपका जो रेट है आपके पेमेंट का वो 10,000 रुपये, तो उसके ऊपर 13% आपका PF का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, ग्रेचुटी का अराउंड 4.81% हो गया आपका, इसके साथ ही आपका ESIC का हो गया 3.25 एम्प्लॉयर का, तो मोटा मोटा 30-35% तक आपका एडिशनल कॉस्ट चली जाती है जो कि एम्प्लॉयर आपके उस 10,000 रुपये के ऊपर ऐड कर देता है। यानी कि अगर आपका वेज रेट 10,000 का है तो आपका एम्प्लॉयर आपको 14,000 सैलरी बोलेगा या 13,000 सैलरी बोलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी। अब फिर आपको क्या होगा कि अगर आपकी सैलरी 14,000 रुपये आपको CTC लिख करके अपॉइंटमेंट लेटर पर मिली है बट इनफैक्ट आपके हाथ में सिर्फ 8,000 या 8,500 रुपये आ रहे होंगे, तो जब भी आप जॉब करने जाते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर बहुत ध्यान से पढ़िए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।